हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैक्सिकन सालसा की, जो कि एक टाइप का डिप है और इसको आप किसी भी टाइप के चिप्स के साथ खा सकते हैं या फिर नाचोज के साथ खा सकते हैं। बट मैं आज इसको मैं इंडियन स्टाइल में थोड़ा बनाऊंगी, इसको पापड़ के साथ सर्व करूंगी, जो इंडियन पापड़ होता है जो हम लोग साइड डिश में खाते हैं दाल चावल के साथ, उसके साथ बनाऊंगी। काफ़ी अच्छी रेसिपी है आज की, बहुत चटपटा लगता है ये सालसा। और ये सालसा जो होता है इसका मेन इन्ग्रीडियंट टमाटर होता है, ये टमाटर से बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप एज ए डिप सर्व कर सकते हैं, चिप्स के साथ खा सकते हैं या नाचोज के साथ खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे पापड़ के साथ, इसको आज मैं पापड़ के साथ सर्व करने वाली हूँ। काफ़ी आसान है बनाना, काफ़ी ईजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी मैक्सिकन सालसा की। मैक्सिकन सालसा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे, एक मिक्सिंग बोल में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे दो प्याज का इस्तेमाल किया है, मीडियम साइज का, और जितना बारीक हो सके काटे तो ये बहुत अच्छा बनता है सालसा। तो बारीक कटा हुआ प्याज मैंने ऐड किया। इसके बाद इसमें ऐड किया मैंने टमाटर, ये भी बारीक कटा हुआ, और दो टमाटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मीडियम साइज़ का ये भी। तो दो टमाटर और दो प्याज मैंने ऐड किया बारीक कटे हुए। इसके बाद तीन से चार लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पे ऐड किया। बारीक कटा हुआ यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो मैंने दो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच से मैंने यहाँ पे ऐड किया काली मिर्च पाउडर। एक छोटी चम्मच से यहाँ पे ऐड कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर। वैसे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हरी मिर्च भी मैंने ऐड किया है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाना पसंद करते हैं लाल मिर्च की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया टोमेटो केचप, दो से तीन बड़ी चम्मच से टोमेटो केचप मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ढेर सारा। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो आप जितना खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर लें इसमें। इसके बाद थोड़ा सा मैंने ना यहाँ पे काला नमक ऐड किया, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट और इसका बढ़ जाता है बेसिकली सालसा का। तो अपने टेस्ट के अनुसार दोनों नमक ऐड करें अपने अंदाज से, जितना खाना पसंद करते हैं। वैसे ये काला नमक ना स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो इससे टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने डाला। इस नमक डालने के बाद एक नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। आप नींबू की रस की जगह वाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको नींबू नहीं पसंद है तो वाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वाइट विनेगर डाल रहे हैं तो एक छोटी चम्मच से इसमें वाइट विनेगर आप डाल लें। ये हमारा सालसा बन के रेडी है, इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पापड़, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, जो हम लोग रेगुलर दाल चावल के साथ खाते हैं एज ए साइड डिश। तो मार्केट में काफ़ी तरह की पापड़ आती है, आप किसी भी पापड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करेंगे। मैंने यहाँ पे मूंग दाल का पापड़ लिया हुआ है, और इस पापड़ को ना इस ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे इस तरह से। वैसे आप अपनी पसंद का कोई सा भी शेप दे सकते हैं, मैंने ट्राइंगल शेप दिया है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इस पापड़ को अब इसमें फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, हाई फ्लेम पे पापड़ एकदम इमीडिएट मतलब जल जाता है। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया, मैंने एक पापड़ पहले फ्राई किया चेक करने के लिए कि ये अच्छे से फ्राई हो पा रहा है कि नहीं इतना तेल गर्म में। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने सारे के सारे पापड़ इस तरह से फ्राई कर लिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है, जस्ट मीडियम फ्लेम पे हल्का सा क्रिस्पी हो जाए बस निकाल लेना है। इसको एकदम से ब्राउन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, हल्का सा इस तरह से क्रिस्पी हो जाए उतना ही हमें फ्राई करना है। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे यहाँ पे पापड़ को फ्राई कर लिए। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, और ये बहुत झटपट बन जाती है। और ये जो सालसा है ना, मैक्सिकन सालसा, बहुत चटपटी लगती है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे पापड़ फ्राई कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पापड़ के ऊपर ना मसाला इस पर छिड़क देंगे, कोई सा भी मसाला आप डाल सकते हैं। मैंने आज यहाँ पे पीरी पीरी मसाला लिया है, ये काफ़ी चटपटा लगता है मसाला, लेकिन अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, आमचून पाउडर डाल सकते हैं, या फिर जो भी मसाला आपको जो थोड़ा चटपटा लगता हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का मेक श्योर रखें,
मेक श्योर कर लें कि सारे पापड़ के ऊपर ये मसाले लग जाने चाहिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पीरी पीरी मसाला डाल दिया पापड़ के ऊपर। अब इसको सर्व कर लेंगे। तो एक प्लेट में इस तरह से पहले सालसा को रखेंगे एक कटोरी में, फिर ये यहाँ पे पापड़ को इस तरह से अरेंज कर देंगे, और सालसा के ऊपर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऊपर से इस तरह से डाल दिया। बहुत अच्छी रेसिपी है, और इस सालसा को आप नाचोस के साथ खा सकते हैं, पापड़ के साथ, या किसी भी टाइप के चिप्स के साथ खा सकते हैं। इसको आप मतलब दाल चावल के साथ भी एज ए साइड डिश सर्व कर सकते हैं, बट मोस्टली पापड़ चिप्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, नाचोस के साथ अच्छी लगती है। वैसे आप इसको एज ए साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं रोटी दाल चावल के साथ। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है ये मैक्सिकन सालसा की रेसिपी तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही एक सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।